मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 7 दिन में दोगुनी हो गई है। इसे देखते हुए सरकार ने आने वाले रविवार से बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में लॉकडाउन का फैसला किया है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में पिछले रविवार से ही इसे लागू किया जा चुका है। अब प्रदेश के 7 शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 32 घंटे का लॉकडाउन रहेगा और ऐसे में इन जिलों में रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर भी पाबंदी रहेगी। हालांकि टेक अवे और होम डिलीवरी चालू रहेगी। वहीं स्विमिंग पूल, क्लब और सिनेमा हॉल भी बंद रहने वाले हैं। इधर महाराष्ट्र में भी कोरोना का तांडव जारी है और ऐसे में बीड के बाद नांदेड़ में भी 11 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। नांदेड़ में आज से 4 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन होगा और इसी के तहत यहां सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रखने और साथ ही वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश हैं। आपको ये भी बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 18 राज्यों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के 771 मामलों का पता चला है। इनमें ब्रिटेन के 736, दक्षिण अफ्रीका के 34 और ब्राजील वेरिएंट का 1 केस सामने आया है। वहीं हरिद्वार कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है। इसके तहत मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी होने पर मान्य नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है? लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में तमाम इंतजाम भी देश भर में किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बात करें तो मनीषा, एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ बीते 24 घंटे में 50,000 के करीब केस सामने आए हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। इसी के साथ में अब देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर जो 1,17,34,000 से अधिक हो चुकी है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। वहीं मरने वालों की संख्या भी अब एक बार फिर से लगातार बढ़ती जा रही है और जो मरने वालों में 88% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 45 साल या उससे अधिक है, यानी कि कम उम्र के लोगों की जो मृत्यु दर है वो कम देखी जा रही है। लेकिन मृत्यु का आंकड़ा भी वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 1,60,450 के करीब लोग कोरोना से मर चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। अब बात करें वर्तमान दौर में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसकी, तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जो कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो एक बार फिर से बहुत अधिक देखने को मिल रही है, जिसमें जो आने वाले रविवार से जो कुछ जिलों में एक बार फिर से जो लॉकडाउन मध्य प्रदेश में लगाया गया है, जिसमें बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इससे पहले इंदौर, भोपाल, जबलपुर में इसी रविवार से लॉकडाउन लगाया जा चुका है। साथ साथ जब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित आ रहे हैं और वहां पर भी ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर पहले से ही लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन जैसे हालात है वहां पहले से बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में लगातार जो कोरोना के केसेज है वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ज्यादातर जो मौतें भी सबसे अधिक महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे की बात करें तो 132 लोगों की कोरोना से जान गई है, जो एक सबसे अधिक जो मौतें महाराष्ट्र में हुई है कोरोना से। और महाराष्ट्र में 53,589 लोगों की अब तक कोरोना से जान जा चुकी है, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है जो महाराष्ट्र से देखने को मिल रहा है। इसके बारे में बात करें तो केरला में भी बहुत अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित आ रहे हैं। कर्नाटक में भी जो कोरोना संक्रमित है वो सामने आ रहे हैं और इन सब में जो नए कोरोना संक्रमित आ रहे हैं उसमें जो नए स्ट्रेन है जो विदेशों से जो आए हुए कोरोना पॉजिटिव है उनसे फैलते नजर आ रहे हैं। जिसमें बात करें तो जो स्ट्रेन का जो नया स्ट्रेन के जो केस आ रहे हैं वो 18 राज्यों में ऐसे केस मामले सामने आए हैं, जिसमें ब्रिटेन से आए हुए जो लोग हैं उनके जो स्ट्रेन है नया ब्रिटेन का वो 736 लोगों में ऐसे आंकड़े देखे गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से जो स्ट्रेन की जो आंकड़े जो तथ्य मिले थे वैसे ही 34 ऐसे लोग मिले हैं जिनमें दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड जो स्ट्रेन है उसके आंकड़े भारत में देखने को मिले। साथ साथ जो ब्राजील वेरिएंट का जो नया स्ट्रेन है उसका भी एक जो केस है वो भारत में देखने को मिला है। ऐसे में जिस तरह से बड़ी संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं
वो नए स्ट्रेन के भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो एक चिंता की बात कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के संक्रमण के जो केसेस बढ़ रहे थे वो एक बहुत चिंता की विषय है। और लगातार प्रधानमंत्री से जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं और उसकी वहाँ की व्यवस्थाओं के अनुसार वो आगे की जो योजना है वो तैयार कर रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण का जो जिस तरह से जो बढ़ रहा है उसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग 600 के करीब जो कोरोना केसेज है वो एक बार फिर से आने लग गए हैं। जो देर रात जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 24 घंटों में जो 669 यानी कि 670 के करीब जो केस है वो देखे गए हैं, जो एक बहुत बड़ा एक बार फिर से जो राजस्थान में जो ग्राफ बढ़ रहा है वो दिसंबर के बाद में जो ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो इतने अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। जिसमें जयपुर की बात करें तो जयपुर में 100 से अधिक एक बार फिर से कोरोना केस आने लग गए हैं। साथ साथ जो कोटा है, जोधपुर है, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा जैसे ऐसे जो शहर है जहां पर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि राजस्थान में मौतों का ग्राफ उतना नहीं है, लेकिन राजस्थान में भी रोजाना एक दो मौतें कोरोना से हो रही है, जो वो भी चिंता की बातें हैं। राजस्थान में अभी अब तक जो 2808 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जो भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है वो कहा जा सकता है। जी, हालांकि जिस तरह से जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसके अनुसार जो एक्टिव केसेज की बात करें तो एक्टिव केसेज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब जो एक्टिव केस भी पूरे देश की बात करें तो देश भर में 3,68,457 एक्टिव केस है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी 4,672 कोरोना के एक्टिव केस है। बात करें तो कुंभ के मेले की, और कुंभ के मेले में भी लगातार बड़ी संख्या में जो देश भर के श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में वहां से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है वो भी बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो उत्तराखंड सरकार की सरकार से जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी जवाब मांगा है कि वो भी जो श्रद्धालुओं की नेगेटिव रिपोर्ट की तथ्य ठीक से जांच करे और 72 घंटे से जो पुरानी जो कोरोना रिपोर्ट होगी उसको मान्य नहीं माना जाए और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। दरअसल जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं समय उत्तराखंड में हालांकि उतनी संख्या में कोरोना के केसेस है वो नहीं बढ़ रहे, लेकिन सतर्क रहने की वहां पर भी जरूरत है और उसी जरूरत को देखते हुए ही कोरोना के जो केसेज है वो कम किए जा सकते हैं। हालांकि 24 घंटे में जो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 24 घंटे में 94 केसेज सामने आए हैं और अब तक उत्तराखंड में 98,646 कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन जो हरिद्वार में जो कुंभ का मेला चल रहा है वहां पर भी जो बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का बढ़ने का खतरा है वो हो रहा है। और उसी को देखते हुए ही जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वो गहराई से जो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है वो उसकी जांच करे और 72 घंटे के बाद की जो कोरोना रिपोर्ट है उसको मान्य नहीं माना जाए और उसी के आधार पर पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण को कम करने का जो कोशिश है वो राज्य सरकारों की ओर से केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। जी, इसी बीच एक और जानकारी ये भी सामने आ रही है लोकेश, जो एस्ट्राजेनेका जिसका कोविशील्ड के नाम से उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से किया जा रहा है, जानकारी ये भी है कि अब वो विदेशों में नहीं भेजी जाएगी, दूसरे देशों में नहीं भेजी जाएगी, घरेलू इस्तेमाल के लिए ही वैक्सीन जो है वो काम में आएगी। देखिए, शुरुआती दौर में कोविशील्ड को लेकर बात चल रही थी और कोवैक्सीन को लेकर भी शुरुआती दौर में बाद में इसकी खपत हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से बात चल रही है कि जो विदेशों में इसको सप्लाई भेजी जा रही है, लेकिन राजस्थान जो भारत में इसकी उपलब्धता को और साथ साथ जो जरूरत को देखते हुए एक बार फिर से कहा जा रहा है कि घरेलू उपयोग में लिया जाए और जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। हालांकि राजस्थान में तकरीबन 50 लाख लोगों को कोरोना का जो टीका है वो लगाया जा चुका है और उसी अनुपात में राजस्थान की तरह ही पूरे देश में अधिक से अधिक कोरोना टीका लगाने के लिए कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी और उसी को देखते हुए ही घरेलू उपयोग में इस कोरोना वैक्सीन को लेने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और जब तक पहले देशवासियों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाए तब तक किसी और को उपलब्धता कम हो। हालांकि जिस तरह से भारत की ओर से पहले भी जो पड़ोसी राज्यों को कोरोना वैक्सीन निःशुल्क रूप
उपलब्ध करवाई गई है। ऐसे में हालांकि आगे भी ऐसा जारी रहेगा, लेकिन पहले देश की जरूरत है उसको पूरा करने का काम है वो किया जाएगा, उसके बाद में ही आगे की जो सप्लाई है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए लोकेश आपका। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच एमपी के 7 शहरों में संडे का लॉकडाउन है और अन्य कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां लॉकडाउन का फैसला लिया गया है बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों को देखकर।